हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस लेक्चर में आज हम दो कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे, ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ और आईयूसीएन। आईयूसीएन का नाम आपने अक्सर पढ़ा होगा, तो उस पर भी हम ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो हमारी सीरीज चल रही थी एनवायरमेंटल इश्यूज में, ये लास्ट जो है उसके पड़ाव पर हम आ गए हैं। इसके बाद जो है हम पॉल्यूशन वाले सीरीज पर चलेंगे। हमने चार पार्ट में बांटा था एनवायरमेंटल इश्यूज को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिसके अंदर मुझे लगता है कि मेनली जो है कन्वेंशन पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर देखा जाए जैसे ड्रोन का कैसे यूज किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंसर्स के लिए, इन सारी चीजों पे आप इनोवेटिव आंसर ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। उसमें ज्यादा कोई फैक्ट्स नहीं रहते हैं, ज्यादा कोई डेटा भी नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट भी ऐसा कुछ खास नहीं है, तो वो आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर में लिख सकते हैं। ड्रोन आपको पता ही है क्या होता है, एक तरह से फ्लाइंग अनमैन व्हीकल होता है, और वो जो है कैप्चर कर लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग सेंसर्स कैमरास वगैरह लगे रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो सेंसर्स होती है आजकल, जैसे टाइगर सेंसर्स हो गई, उसके अंदर इस तरह के ड्रोन्स का यूज किया जाता है, और जो कि काफी एक्यूरेट भी होती है, और उससे जो है हमें इंटीरियर का काफी अच्छा इमेज और पिक्चर मिल जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये जनरली अगर क्वेश्चन आता है तो साइंस टेक से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी किसी और चीज में आप इंटरनली यूज कर सकते हो। और कोई बड़ा मुद्दा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण का मुझे नहीं लगता। जो कन्वेंशन मुझे लगता है इस बार के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने सारी जो है कवर कर ली है। इसके बाद जो है ये इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर होगा एनवायरमेंटल इश्यूज का, पर्यावरणीय मुद्दों का, उसमें हम पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की चर्चा करेंगे। तो इसको शुरू कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जीटीएफ, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम को आप हिंदी में भी ग्लोबल टाइगर फोरम ही लिखेंगे। अच्छा, ये अभी फिलहाल चर्चा में क्यों है? तो ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड यानी उच्च तुंगता वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें जो बाघों के आवास हैं, हैबिटेट्स हैं, उनकी स्थिति पर एक रिपोर्ट अभी आई है, तो उससे रिलेटेड ये चर्चा में है। क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड है यानी जैसे आपने पढ़ा होगा जो ध्रुवीय क्षेत्रों में, या हम बोल सकते हैं थोड़े ठंडे क्षेत्रों में, व्हाइट टाइगर जैसे आपने सुना होगा, तो व्हाइट टाइगर आपको पता ही कि ठंडे क्षेत्रों में मिलता है या ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर पाया जाता है, तो उस जगह का जो इकोसिस्टम है वो उस इन बाघों के आवास के लिए कितना सुरक्षित है, क्या वहां पे इनको शिफ्ट किया जा सकता है जिससे इनकी पॉपुलेशन बढ़े, तो इन सब पर एक रिपोर्ट आई थी जो कि काफी चर्चा में रही है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें तो इसके अनुसार जो उच्च तुंगता पर यानी हाई ऑल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी बाघों की वृद्धि के लिए अनुकूल है, तभी तो वहां पे व्हाइट टाइगर्स रहते हैं। और यह रिपोर्ट उच्च तुंगता पर बाघों के संभव आवासों, संपर्क गलियारों यानी जिनको हम बोलते हैं ना कॉरिडोर, एवं मानव जन्य दबावों की पहचान करने के साथ ही उनके स्वस्थान इन सीटू संरक्षण के लिए रोडमैप उपलब्ध करवाती है, यानी कि जहां पर अभी वो हैं, इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थान यानी जहां पर अभी वो वर्तमान में विद्यमान है वहां पर भी उनका संरक्षण कैसा किया जाए उसका ये रोडमैप प्रोवाइड कराती है ये रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो है उच्च तुंगता पर स्थित बाघ के आवासों के लिए भारत सरकार को मास्टर प्लान बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजी है रणनीति बनाने में भी सहयोग करेगी। ठीक है, इस रणनीति के तहत बाघ संरक्षण को केंद्र में रखते हुए विकास और स्थानीय समुदायों को लाभ प्रदान करने के लिए, यानी इसमें स्थानीय समुदायों को बेनिफिट की देने की भी बात की गई है, एक प्रभावी समन्वय तंत्र यानी कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना और उस परिदृश्य के भीतर सभी हितधारकों और कार्यरत विभागों को शामिल करना शामिल है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट काफी वाइड रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल टाइगर फोरम के तत्वाधान में जो है जारी की गई थी, जिसमें भूटान, भारत और नेपाल के साथ साथ संरक्षण भागीदार कौन कौन है, WWF हो गई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और विशिष्ट सहयोगी जो है जैसे IUCN हो गए, उसके एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम एवं KFW, ये क्या है, जर्मन विकास बैंक के द्वारा समर्थित ये एक जो है रिपोर्ट थी। तो ये रिपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रही। ऑब्वियसली भारत, नेपाल और भूटान तीनों जो है ऊंचाई पर स्थित जो है जगह है, जैसे हिमालयन क्षेत्र वाले, तो वहां पर टाइगर के संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, बाघों के संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, उससे रिपोर्टेड ये रिपोर्ट आई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है तीन देश शामिल थे, तो इसको आप डिप्लोमेसी में भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, पर्यावरण डिप्लोमेसी Track 6 जो है डिप्लोमेसी कूटनीति, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो पर्यावरण से संबंधित कन्वेंशन होते हैं वो भी एक तरह से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का पार्ट होते हैं, राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों का भाग होते हैं, और उसमें Track 6 डिप्लोमेसी जो होता है यानी Track 6 कूटनीति का इसको हम भाग मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत, भूटान और नेपाल के साथ ये संबंध बन रहा है। वैसे भी चीन का जिस प्रकार से
हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है भारतीय सीमाओं के क्षेत्रों में, तो ये जो हमारे बफर स्टेट्स हैं, बफर नेशंस हैं, राष्ट्र हैं, इनको ऑब्वियसली भारत के साथ जोड़े रखना बहुत जरूरी है। आगे हम इसमें बात करें तो रेंज के भीतर अधिक ऊंचाई वाले अधिकांश आवासों में बाघ की उपस्थिति, शिकार और निवास स्थान की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए निवास स्थान की मैपिंग और भविष्य के रोड मैप के लिए स्थिति के विश्लेषण का मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है। आगे हम इसमें बात करें तो उच्च तुंगता वाले बाघ आवास होते क्या हैं, यानी हाई ऑल्टीट्यूड जो हैबिटेट्स हैं उनके क्या होते हैं। ये आवास एक उच्च मूल्य वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाली कई हाइड्रोलॉजिकल और पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं होती हैं। ये कुछ इस तरह की डेफिनेशन इस रिपोर्ट में यूज की गई थी। आप इसको जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाई ऑल्टीट्यूड वाले बाघ आवास क्या होते हैं या उनसे संभावनाएं क्या हैं, 2 मार्कर या 5 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ऊंचाई पर स्थित स्थान या ऊंचाई पर स्थित ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो बाघों के संरक्षण के लिए या उनकी वृद्धि विकास के लिए उपयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं। और इसके अलावा आप इसमें इस रिपोर्ट का भी जिक्र कर सकते हो, इसमें आप तीनों देशों भारत, भूटान और नेपाल का नाम जरूर से लिखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूलन के लिए उच्च तुंगता पर स्थित बाघ आवासों को भूमि के सतत उपयोग द्वारा संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। तो भूमि के सतत उपयोग की भी यहाँ पे बात हुई है, सस्टेनेबल यूज की। दक्षिण एशिया के कई उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में बाघ की स्थानिक उपस्थिति है, इसलिए उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय स्वस्थानीय प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में ऐसे कई देश हैं जो भारत, भूटान, नेपाल हो गए, है ना, तिब्बतन रीजन हो गया, कई सारी जगह है जहां पर ऐसे आवास हो सकते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में जानिए, इसका गठन हुआ था 1993 में नई दिल्ली में, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो सेंटर है, केंद्र है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। और आयोजित एक बाघ संरक्षण में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर इसका किया गया था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जो GTF है, ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये एकमात्र अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, यानी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है। ये याद रखेंगे कि ये अंतर सरकारी बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो बाघों के संरक्षण के लिए तैयार देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। टाइगर कंजर्वेशन की बात करें तो एकमात्र ऐसा ये निकाय है। एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या पता इसी पर छोटा सा क्वेश्चन आ जाए। तो इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, जो एकीकृत बाघ विकास कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्लान है। ये एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र, स्ट्रैटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है, बेसिकली फाइनेंस से संबंधित है, जिसका उद्देश्य क्या है, एशिया में बाघों को जंगलों में संरक्षित करना। ये ध्यान रखेंगे कहां पर संरक्षित करना, जंगलों में संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाना है, उनके जहां पर इन सीटू उनका कंजर्वेशन किया सकता है, उन क्षेत्रों पर ध्यान इसमें दिया गया है। तो ये क्या है, रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है। इसमें हम बात करें तो ये 6 देशों में कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, यानी कि इसमें इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी 500 भारत और भारत के पड़ोसी हैं। भारत हो गया, भूटान, नेपाल हो गया जो इस रिपोर्ट से संबंधित है, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया हो गए, में 12 परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। कैसी वित्तीय सहायता, ऑब्वियसली वित्त पोषण से संबंधित है, जिससे बाघ संरक्षण परिदृश्य का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दे रहा है, जो कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का वैश्विक प्रयास है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे हम चर्चा कर रहे हैं IUCN की, ग्लोबल टाइगर फोरम से इतना ही इंपॉर्टेंट था, ज्यादा इससे बड़ा क्वेश्चन या वाइड क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आया तो 2 मार्कर कोई क्वेश्चन बन सकता है, एकीकृत बाघ संरक्षण प्रोग्राम पे बन सकता है, भारत, भूटान, नेपाल की डिप्लोमेसी की अगर कोई बात हो उससे संबंधित कोई आपके IR में क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप पर्यावरण कूटनीति का एक एंगल लिख सकते हैं 4 एक्स्ट्रा मार्क्स। IUCN की चर्चा करें तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, चर्चा में क्यों है ये, तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी पर्यावरण निर्णय फोरम IUCN जो है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 कहां आयोजित की गई थी, फ्रांस के मार्सिले में आयोजित की गई थी, और इस फोरम को स्थगित कर दिया गया था बीच में कोविड के कारण, सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, और ये सितंबर 2021 में ही आयोजित हुई है मार्सिले में। इसके तहत जो मौजूदा जैव विविधता संगठन है उनके सहित संरक्षण प्राथमिकताओं को संबोधित करने हेतु कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय
लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है जो प्रत्येक चार वर्ष में, हर चार वर्ष में होती है। तो 2021 में हुई है, 2020 वाली, ठीक है, और एक बार दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित की जाती है। इस बार फ्रांस में की गई थी। इस प्रकार की पहली कांग्रेस जो की गई थी वो USA में 1948 में आयोजित की गई थी। ठीक है, IUCN के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, रेड डेटा लिस्ट आपने सुनी होगी। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ सरकारों और नागरिकों, ध्यान रखेंगे इसमें सरकार के साथ साथ नागरिक दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्यता संघ है। यह इस दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, जहां USA में इसका पहला कन्वेंशन आयोजित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, इस पर क्वेश्चन भी आपके 2 मार्कर आ सकता है। रेड लिस्ट के बारे में बताइए, तो ये IUCN की है। दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। इसमें पौधों और जानवरों यानी फ्लोरा और फौना दोनों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 2 मार्कर में आप इजीली लिख सकते हो कि रेड लिस्ट जो है IUCN द्वारा जारी एक व्यापक सूची है, जिसके अंदर पौधों और जो वन्य जीव है या जानवर है उनकी प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति, क्या स्टेटस है, उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, वैश्विक स्वदेशी एजेंडा क्या है, तो ये हम जान लेते हैं। यह भूमि क्षेत्रों, जल, तटीय समुद्र और प्राकृतिक संसाधनों के शासन हेतु स्वदेशी अधिकारों को मान्यता एवं सम्मान प्रदान करने का आह्वान करता है। एक वैश्विक स्वदेशी एजेंडा है IUCN से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इन दोनों स्वदेशी का भी मुद्दा चर्चा पे चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन तो 1991 से हिट है, तो इसको हम देखते हैं क्या है। तो जो भी हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, चाहे भूमि से रिलेटेड हो, किसी क्षेत्र से रिलेटेड हो, जलीय संसाधन हो, तटीय समुद्री संसाधन हो, इनके शासन के लिए स्वदेशी अधिकारों को, यानी कि जिस देश में वो है उस स्वदेशी अधिकारों को मान्यता एवं सम्मान प्रदान करने का आह्वान करता है। तो ये तो होगी स्वदेशी की बात। इसे IUCN के स्वदेशी लोगों के संगठन के सदस्यों द्वारा विकसित किया गया था। यह 5 विषयों से संबंधित, कितने? 5 विषयों से संबंधित 10 उच्च स्तरीय प्रस्तावों और परिणामों को प्रस्तुत करता है। कौन कौन से हो गए? जैसे स्वदेशी शासन हो गया, जैव विविधता संरक्षण हो गया, जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, जो कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी शामिल है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम पहले चर्चा कर चुके थे। SDG कौन कौन से हमने देखा था? क्लाइमेट से रिलेटेड है 1, 2, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो इनको हमने देखा था क्लाइमेट से रिलेटेड है, जिसमें अगर हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर का SDG 13 जो है वो बन जाता है। तो जलवायु कार्रवाई का है, COVID-19 के बाद रिकवरी के प्रयास है, और खाद्य सुरक्षा और वैश्विक नीति निर्धारण की ये बात करता है। ठीक है, तो ये 5 विषयों से संबंधित 10 उच्च स्तरीय प्रस्ताव और परिणामों को प्रस्तुत करता है, वैश्विक स्वदेशी एजेंडा। तो COVID-19 के काल का ये बड़ा समकालीन मुद्दा है, तो इसको थोड़ा आप याद रख लेंगे। अद्यतित रेड लिस्ट, तो ये क्या होती है? अपडेटेड जो रेड लिस्ट है, इसमें 9 श्रेणियों में प्रजातियों की संख्या अद्यतन या अपडेट की गई है। रेड लिस्ट के अनुसार प्रजातियों के स्तर पर वैश्विक सुधार के बावजूद उच्च जोखिम वाली प्रजातियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे हम बात करें, कुल 902 प्रजातियां आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो चुकी हैं। कितनी? 902 एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुकी हैं। जिन प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया उनमें से 30% विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। ठीक है, 80 वन्य जीव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, 80 जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं, और 8404 गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, 14647 संकटग्रस्त है, 15492 सुभेद्य प्रजातियों में शामिल है, और 8127 प्रजातियों के भविष्य पर खतरा बना हुआ है। इतना डिटेल में ये डेटा आप नहीं भी याद करें तो भी कोई खास बात नहीं है। अगर हम बात करें, लगभग 71148 प्रजातियों की स्थिति कम चिंताजनक है, और 19404 प्रजातियों के डेटा का अभाव है। 9वीं श्रेणी जो है नॉट इवेल्युएटेड प्रजाति है, अर्थात इन प्रजातियों का मूल्यांकन IUCN द्वारा नहीं किया गया है। ठीक, सतत पर्यटन पहल क्या है? टूरिज्म पे हालांकि कोविड पीरियड में काफी हैम्पर हुआ है, लेकिन सतत पर्यटन पहल जो है एक इम्पोर्टेंट अभी इन दिनों चल रहा है। यह कार्यक्रम जर्मनी द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा? जर्मनी द्वारा वित्त पोषित है, तथा इसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जैसे कार्यकारी भागीदार शामिल है। यूनेस्को और WWF इसके अंदर शामिल है। जर्मनी द्वारा वित्त पोषित ये प्रोग्राम है सतत पर्यटन पहल, और यह विकासशील और उभरते देशों के सतत विकास में योगदान करने के लिए पर्यटन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करेगा। वैसे भी आपको पता है कि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया के लिए बड़ी होपफुल है। ठीक है, और
पर्टिकुलरली राजस्थान के लिए तो बहुत ही ज्यादा होपफुल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल और कल्चरल टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पे राजस्थान में उभर के आता है। तो सतत पर्यटन पहल पर आपके पक्के से इस बार क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं आए तो आपको इसे किसी ना किसी क्वेश्चन में या एटलीस्ट हर पेपर में कहीं ना कहीं एक जगह आपको जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम बात करें पहल को संचालित करने के लिए IUCN दो विश्व धरोहर स्थलों पेरू और वियतनाम में 5 अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ काम करेगा ताकि समुदाय आधारित पर्यटन क्षेत्र के भविष्य के व्यवधानों के प्रति लचीलापन बढ़ाया जा सके। आगे हम बात करें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, ये भी इस बार काफी चर्चा में रहा क्योंकि एक इंडियन जो है वो इसके लिए एलिजिबल रहे। हाल ही में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड कछुए की प्रजातियों को उनके विलुप्त होने की स्थिति से बाहर लाने हेतु बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए काफी चर्चा में है शैलेंद्र सिंह जी। बहलर कछुआ जो है कछुए की एक प्रजाति है। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस, IUCN, SSC, कच्छप और मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह, कछुआ संरक्षण कोष द्वारा प्रदान किया जाता है। इतना बस आपको नहीं भी याद हो तो शैलेंद्र सिंह का नाम आपको याद रखना है, और इन्होंने 3 जो प्रजाति हैं कछुए की उनको संकटकालीन स्थिति से बाहर निकाल लिया है, तो पहला कछुआ संरक्षण पुरस्कार इन्हें मिला है। तो इतना जो है हमने कवर कर लिया है। आज वाले लेक्चर्स में से मैं बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बोलूंगी कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको इसको यूज करना है। जैसे रेड लिस्ट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप IUCN की रेड लिस्ट का जिक्र वहां आराम से कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। अगर हम बात करें सतत पर्यटन पहल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही और इसको आप यूज करेंगे जरूर से, कि सतत पर्यटन पहल ऑब्वियसली राजस्थान के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत डिटेल में इसको लिखने की जरूरत है, सिर्फ ये नाम ही काफी है। इसमें लिख दीजिएगा IUCN द्वारा संचालित सतत पर्यटन पहल, बस इतना लिख दिया, आपको एक्स्ट्रा मार्क कहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा था वैश्विक स्वदेशी एजेंडा, तो उसको जरूर से आप मेंशन करें। और इसके अंदर हमने जैसे क्लाइमेट एक्शन की बात करी, तो यहाँ पे हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको भी कोट अनकोट करके हर जगह यूज करें, आधा नंबर आपको वहां पे एक्स्ट्रा जरूर से मिलेगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, क्योंकि IUCN एक सबसे बड़ा व्यापक जो है प्लेटफॉर्म है, तो इसका जरूर से आप इस्तेमाल करें इसके कीवर्ड्स का। और GTF जो है उससे क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, पर जो ग्लोबल टाइगर फोरम है क्योंकि इसका मुख्यालय दिल्ली में है और हाल ही में इसका ये आयोजन भी किया गया था, तो इसलिए जो है आप इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ भी जाए क्योंकि टाइगर सेंसस भी अभी हाल ही में आई है, और नहीं भी आए कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन हमें तो पढ़ना है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मुझे लगता है कि इतने टॉपिक सफिशियंट थे और यही इंपॉर्टेंट थे। अब हम पॉल्यूशन पे जाएंगे अगले टॉपिक में। अगर ये सीरीज, ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो उनको जरूर से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें छोड़ सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। इसके अलावा अपने सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं, जैसे कुछ वॉइस रिलेटेड या इस तरह की सजेशंस आ रहे हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। देखते हैं धीरे धीरे कुछ क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जुड़े रहें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से, और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा के रखें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।